हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर डूइंग टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज देर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट इज़ नो टाइप और डब्ल्यू एच वर्ड टाइप ठीक है नो टाइप क्वेश्चंस और डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चंस की नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी होती है जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीख रहे होते हो ओके okay, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यस नो टाइप के बारे में कुछ बताया था थोड़ा सा और डब्ल्यू एच वर्ड टाइप के बारे में मैं आज बताऊंगी और दोनों को ही आपको अच्छे से समझाऊंगी तो इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है और समझना है कि किस तरह के होते हैं ये क्वेश्चन तो यस नो टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उससे जैसे कि आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा है येस नो टाइप तो इसमें जो आंसर्स होते हैं या तो वो येस हो सकते हैं या नो हो सकते हैं और कोई आंसर नहीं हो सकता और इसमें स्टार्टिंग में एक हेल्पिंग वर्ब लगी होती है क्वेश्चन की स्टार्टिंग uh, में ओके okay? तो आपको ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगी होती है ओके okay? जैसे ये क्वेश्चन है डू यू प्ले क्रिकेट तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है डू ओके डू इज़ अ हेल्पिंग verb. अगर आपको हेल्पिंग verb के बारे में नहीं पता तो आप वीडियो का लिंक जो है मैं शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में उसमें आप देख सकते हैं तो आंसर इसका क्या होगा येस आई प्ले क्रिकेट येस आई प्ले क्रिकेट नो आई डोंट प्ले क्रिकेट ठीक है दोनों आंसर्स हो सकते हैं इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा एक क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वट हाउ वेन एट्सेक्ट्रा ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ओके okay? और इन में एक दो से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं ठीक है येस या नो के अलावा और भी आंसर्स हो सकते हैं ओके मोर दैन टू मतलब दो से ज़्यादा ठीक है तो आप इस तरह से इसको अच, अच्छी तरह से पहचान सकते हैं इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा है डब्ल्यू एच ओर टाइप क्वेश्चन जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे वेयर डू यू लिव तो आप जहाँ भी रहते हो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करोगे ना जैसे आंसर हो सकता है आई इन डेली आई लिव इन चंडीगढ़ आई लिव इन पुणे एट्सेट्रा ठीक है तो ये नेक्स्ट है डू यू लिव इन चंडीगढ़ तो आप इसका आंसर क्या दोगे येस yes. आई लिव इन चंडीगढ़ और नो आई डोंट लिव इन चंडीगढ़ तो दो ही आंसर हो सकते हैं ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो चिल देंट की प्लानिंग